और नई कार्यवाही की जा रही है। आगामी 2021 में हरिद्वार में लगने वाले महाकुंभ को लेकर प्रशासन और शासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना महामारी की वजह से कुंभ के कार्य काफी धीमी गति से चल रहे हैं, लेकिन शासन और मेला प्रशासन कुंभ के सभी कार्यों को जल्द पूरा करने की बात कह रहे हैं। वहीं संत समाज और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि कुंभ के कार्य जल्द पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर मेला अधिकारी दीपक रावत का कहना है, मुझे लगता है ऐसा कोई भी निर्माण नहीं जो समय पर पूरा ना हो सके। ऐसा जरूर है कि कुछ कार्य लेट शुरू किए गए हैं और कोरोना महामारी की वजह से कुछ कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा सभी कार्यों की मॉनिटरिंग की जा रही है। शहर की स्थिति तो खराब है, रोडों की, पुल भी नहीं पूरे निर्माण हुए। आश्वासन तो इन्होंने दिया है कि जो भी डेडलाइन निश्चित की गई है कार्य पूरे होंगे, और मुझे लगता कि पूरे कार्य हो जाए इसके लिए शुभकामना। यदि अधूरे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोरी भी नजर आएगी प्रशासन और शासन की। मुझे ऐसा लगता कोरोना के कारण काम यहाँ बहुत विलंब से हो रहे हैं और इसका प्रभाव कुंभ पर पड़ेगा। जो रोड्स के बाकी बिटुमिनस वर्क्स हैं उसमें इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, तो सभी ब्रिजेस पे एक तरीके से काम चल रहा है, और हमें एनएचए ने अश्योर किया है कि ज्यादातर को तो वो एंड ऑफ नवंबर कर देंगे, और कुछ एक जो थोड़ा आगे तक होंगे वो डेफिनेटली एंड ऑफ दिसंबर तक ये कर देंगे। आप जानते हैं कि जो हमारा मेजर स्नान है, जो क्राउड के लिहाज से, भीड़ के लिहाज से सबसे चैलेंजिंग हरिद्वार में होता है, आप जानते हैं कि जो 10, 11, 12 ऑनवर्ड्स अप्रैल 14 तक का जो पीरियड है उसमें ही बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तैयारी है वो पूरी है, टाइम से काम पूरे हो जाएंगे, और हम लोग मैं समझता हूँ कि दिसंबर में सभी माने संतों के साथ बैठकर और कोविड की दृष्टिगत तब तय होगा कि इसका स्वरूप क्या होगा, लेकिन जो विकास के काम चल रहे हैं वो काम हम पूरे कर लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए।